وعلى من أوصى دعائي الإيمان ودعائي المواخاة بين المسلمين ونادى بالتضامن والتحالف فيما بين المؤمنين وأوصاهم بالتمسك بالدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله صدق الله العظيم وقال سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة السوداء على الصفرة السوداء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم زبان و دل محمد کے ہے جان و تن محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم زبان و دل محمد کے ہے جان و تن محمد کا قلم الفاظ لفظ و حرف و فکر و فن محمد کا جنید و بو حنیفہ رومی و ہارون و ایوبی جنید و بو حنیفہ رومی و ہارون و ایوبی ہما اقسام کے گل ہیں یہ ہے گلشن محمد کا غموں کی آزمائش ہو خوشی کی شاد مانی ہو غموں کی آزمائش ہو خوشی کی شاد مانی ہو نہ جھوٹا ہے نہ جھوٹے گا کبھی دامن محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم غموں کی آزمائش ہو خوشی کی شاد مانی ہو نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا کبھی دامن محمد کا اور مجاہد بس خدا کا ہے وہی جو ہے محمد کا مجاہد بس خدا کا ہے وہی جو ہے محمد کا خدا کا بندہ بننا ہے تو بن پہلے محمد کا اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام معززین و عمائدین میرے دینی اور ایمانی بھائیوں عزیز طلبا پیارے بچوں اور اس اجلاس کو سننے کی سعادت حاصل کرنے والی پس پردہ میری ماؤں اور بہنیں اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ آج ایک اہم اور دینی پروگرام میں
उसने हमें और आपको हाजिरी का मौका इनायत फरमाया। शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज्जत का और हजारा हजार दरूद और सलाम नाजिल हो आका इनामदार ताजदार बहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके सदके हमें ये दीन और कुरान मिला। इकबाल मरहूम ने कहा था हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो चमने तहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो न ये साबी तो फिर मैं भी ना हो खून भी ना हो बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है नब्ज हस्ती तबिश आमादा उसी नाम से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम बुजुर्गान मोहतरम आपका ये इजलास दस्तार बंदी के उन्मान पर हो रहा है। फादे ग्राम की ये जमात है मैं दिल की गहराई से इन तलबा को जिन्होंने अपने सीनों को कुरान करीम के अल्फाज से मामूर किया है मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनको भी इनके वालदैन मोहतरमैन को इनके भाइयों और बहनों और रिश्तेदारों को कि उन्होंने दीन की खिदमत के लिए इन बच्चों को मुंतखब किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें हाफिज होने के साथ साथ आलिम व अमल भी बनाए। इसमें कोई शक नहीं कि ये मौका कुरान करीम की निस्बत पर होने वाले इजलास की बुनियाद पर हमारे लिए बड़ी सआदत का है खुशबख्ती का है फरहत और इंबसात का है। मगर याद रहे कि उन सबसे ज्यादा हमारे लिए ये मौका अपने फराइज और अपनी जिम्मेदारियों के एहसास और शुरू का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आप बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को कुरान करीम की शक्ल में जो रहबर और रहनुमा किताब अता की है आज के इस प्रोग्राम में हमें और आपको ये गौर करना है कि इस किताब मुकद्दस का हक हम कहां तक अदा कर रहे हैं। हमें जायजा लेना है हमें एहतसाब करना है गौर करना है कि ऐसा तो नहीं कि कुरान मुकद्दस जैसी किताब के तई हमसे कोई कोताही और कमी हो रही है। अगर वाकई कोई कोताही और कमी हो रही है तो हमें उन कोताहियों और कमियों को दूर करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इस किताब को इंतहाई बाअज़मत किताब बनाया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान फरमान है इन्नहादल कुरान अहब्बु इलल्लाहि मिनस्समावात सब वल अर्दीन सब व मन फीहिन। ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में सातों आसमान सातों जमीन और इनके दरमियान जितनी भी मखलूकात है उन तमाम से ज्यादा महबूब और पसंदीदा। इस किताब हिदायत से जब तक हमारा रिश्ता आमली एतबार से अटूट और मुस्तहकम नहीं होगा हम दुनिया में ना तो अल्लाह की रहमतों और उसकी नुसरतों
हमारा और आपका रिश्ता कुरान करीम से अकीदे और फिक्र का भी रिश्ता है, तिलावत और तालीम का भी रिश्ता है, फहम और तशरीह का भी रिश्ता है, अदब और एहतराम का भी रिश्ता है, अमल और इत्तेबा का भी रिश्ता है, और इस कुरान करीम की तरवीज और इशाअत और तबलीग का भी रिश्ता है, और इन तमाम रिश्तों से हमें और आपको कुरान करीम से जुड़ना होगा। एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको इस किताब मुकद्दस पर ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया, और हम इस पर जिस तरह भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है, वही दूसरी तरफ तिलावत का एहतमाम, सच्ची हसमत अपने दिलों में पैदा करने का जज्बा, और आने करीम को समझने की फिक्र, और आने करीम पर अमल करने की फिक्र, और आने करीम की तालीमात से अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने अहले खाना को और अपने रिश्तेदारों को वाबस्ता करने की फिक्र, ये वो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं जो हमारे और आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से, उस दीन की तरफ से जिस दीन मदीन के हम हामिल हैं, और उस नबी आखिरी समा अलैहि सलातो व तस्लीम की तरफ से जिसके हम उम्मती और गुलामों पैरोकार हैं, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारियां डाल दी गई, और हमें इन जिम्मेदारियों को अदा करना है। ये कोई रस्मी इजाज नहीं है कि कल को हम और आप बैठ करके अपने होटलों और अपने कमरों में, अपने घरों में बैठ करके ये तबसरे करें कि फिलहाल मुकदमे में कैसी तकलीर की और जलसे का इंतजाम कैसा था। ये इसलिए नहीं है कि हम तबसरे करें, बल्कि ये मौका है हमारे और आपके लिए कि हम अपनी जिंदगी के धारे और अपनी जिंदगी के रुख को बदलें। याद रहे कि अगर कुरान करीम से गफलत होगी तो हमारे और आपके ऊपर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान साजिद आएगा जिसमें नबी आखिरी समा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्ना हाज़िहिल क़ुलूब तस्तक़ु कमा यस्तक़ुल हदीदु इज़ा असाबहु नार। आपने फरमाया था कि इंसानी दिलों पर ऐसे ही संग लग जाता है जैसे कि लोहे के ऊपर संग लग जाता। मैं कोई किस्सा और कहानी आपके सामने नहीं सुना रहा हूं, और ना ये मौका है कि किस्सा और कहानी कहकर के बात खत्म कर दी जाए, बल्कि जो कुछ भी इस मोतबर स्टेज से बयान किया जा रहा है वो कुरान और हदीस की रोशनी में बातें बयान की जा रही है। यूं समझो कि उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, जरा उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, जरा मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जबान मेरी है बात उनकी, जबान मेरी है मगर फरमान आप आए रामदार ताजदार रखा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जबान पे बार इलाहा ये किसका नाम आया, जबान पे बार इलाहा ये किसका नाम आया, मेरे नुत्फ ने बोसे मेरी जबान पर दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि इंसानों के दिल ऐसे ही संग आलूद हो जाते हैं जैसे लोहा संग आलूद हो जाता। आपने बार बार वो हदीस सुनी होगी कि कोई भी बंदा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर सियाह नुक्ता लग जाता है, अगर वो तौबा कर लेता है तो वो नुक्ता और वो धब्बा ज़ाहिर हो जाता है, दूर हो जाता है, और अगर उसने तौबा नहीं किया और गुनाह के ऊपर गुनाह करता रहा तो दूसरा धब्बा और तीसरा धब्बा और चौथा धब्बा, और इस तरीके से होते होते पूरा दिन सियाह और जंगालूद हो जाता है अगर बंदा तौबा नहीं करता है। याद रहे कि जब पूरा दिन सियाह हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि उसका दिल संग आलूद हो, उसकी अलामत यह है
कि इंसान गुनाह करता है और उसे गुनाह का एहसास भी नहीं होता। वो अपनी दुकान पर बैठ करके अपने मोबाइल पर वादे पर वादे करता है और वादा खिलाफी करता रहता है। वो दूसरों से मुआमलात करता है कि मुझे पैसे दे दो, खुदा तारीख में दे दूंगा, लेकिन जब वो दिन आता है वो अपना रुख फेरने लगता है और अपने मोबाइल पर स्विच ऑफ कर लेता है। वो ये समझता है कि मैं बहुत दानिशमंदी से काम कर रहा हूँ, मगर आका ये फरमा रहे हैं कि इससे एहसास नहीं हो रहा है, उसका दिल क्या हो रहा है। जब गुनाहों के ऊपर गुनाह करता रहता है तो उसे एहसास नहीं होता है। वाए नाकामी, मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास सीना जाता है, एहसास ही नहीं होता है। यहाँ तक के पूरा दिन सियाह हो जाता है, जंग आलूद हो जाता है। हजरत सहाबे इकराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, अगर हमारे दिल सियाह और जंग आलूद हो जाए तो उस स्याही को कैसे साफ किया जाए और उस जंग को कैसे दूर किया जाए। मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अमल की तरफ इशारा किया, आपने दो अमल बताए। पहला अमल बतलाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वाकई अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे दिल की स्याही दूर हो और तुम्हारे दिल का संग दूर हो जाए, तो आपने फरमाया कि मौत को कसरत के साथ याद किया। अगर मौत को याद करोगे, कब्र की तन्हाई को याद करोगे, अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास तुम्हारे दिल में पैदा होगा, तो इस दिल में खुदा का खौफ आएगा। और याद रहे कि दुनिया जराइम का खात्मा नहीं कर सकती है जब तक कि उसके दिल में खुदा का खौफ पैदा ना हो। खुदा का खौफ ही वो बुनियादी चीज है जो इंसान को गुनाहों से रोक सकती है। हजरात गिरामी, एक वाज़े मिसाल मैं आपको बताता हूं। आज हुकूमतें भी ये चाहती हैं कि जराइम का खात्मा हो। आपने देखा होगा कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, 100 और 112 नंबर की गाड़ियां ईजाद की जा रही हैं, जगह जगह पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। अगर दुनिया वालों और हुकूमतों से पूछा जाए कि ये सारी कोशिशें क्यों हो रही हैं, तो जवाब मिलेगा ये सारी कोशिशें इसलिए हो रही हैं ताकि दुनिया को जराइम से पाक कर दिया जाए और मुजरिम जल्द पकड़ में आ जाए ताकि कोई जुर्म का इर्तिकाब ना करने पाए। मगर सूरत हाल ये है कि जितने आलात बढ़ते जा रहे हैं उतने ही ज्यादा जराइम भी बढ़ते जा रहे हैं। जराइम और बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वजह और बुनियाद यह है कि कोशिश सही रुख पर नहीं हो रही है। अगर वाकई दुनिया और दुनिया की हुकूमतें ये चाहती हैं कि दुनिया से जराइम का खात्मा हो, सारे मुआशरा वजूद में आए, अच्छे इंसान जुड़े जमीन के ऊपर चले, तो दुनिया वालों को उस कानून और उस तरीके के ऊपर आना पड़ेगा जो तरीकाकार इख्तियार किया हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस तरीके के ऊपर आना पड़ेगा। मेरे आका की बहसत जिस माहौल के अंदर हुई, इंतहाई गंदा माहौल था, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस मुआशरे की इस्लाह की, तो आपने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए, पुलिस स्टेशन नहीं कायम किए, बल्कि आपने मुआशरे की इस्लाह इस तरीके पर की कि जाहिर के बजाय आपने बातिन पर तवज्जो, आपने दिलों को पाक किया और आपने उन दिलों में खुदा का खौफ बैठाया। और जब दिल में खुदा का खौफ होता है तभी बंदा गुनाह से बचता है। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله
आला वही अल्लाह वकमा आला अलैहि सलातु वसलाम, आपने फरमाया कि जिसमें इंसानी के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, हर इंसान गोश्त के लोथड़े की निगरानी करता रहे, अगर वो गोश्त का लोथड़ा साफ और सुथरा रहेगा तो जिसमें इंसानी से साकिर होने वाले सारे आमाल सही रहेंगे, और अगर उस गोश्त के लोथड़े में फसाद और बिगाड़ आ गया तो जिसमें इंसानी से साकिर होने वाले सारे आमाल में फसाद और बिगाड़ ही रहेगा। आपने फरमाया कि गोश्त का वो लोथड़ा दिल को पाक रखो, अगर उस दिल में खुदा का खौफ पैदा होगा तो तुम्हारा दिन बदल जाएगा, तुम्हारी रात बदल जाएगी। तुम जिस तरीके से दिन में के उजाले में गुनाह करने से कतराते हो, अगर उस दिल में खुदा का खौफ पैदा होगा तो रात की तन्हाई में भी तुम गुनाह नहीं करो। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी कि जिस बंदे के दिल में खुदा का खौफ पैदा होता है वो लंदन और पेरिस की बाजारों में भी अगर चलेगा तो ये निगाहें गलती नहीं कर सकती है, इसलिए कि उसके दिल में खुदा का खौफ है। और अगर दिल में ही खुदा का खौफ नहीं है तो मक्के और मदीने से लौट कर आने वाला हाजी अपने भाई की जमीन को गसब करने में और उसका हक मारने में पीछे नहीं रहे। क्यों? इसलिए कि उसका दिल पाक नहीं। दुनिया अगर ये चाहती है कि जराइम का खात्मा हो तो उसका एक ही तरीका है कि लोगों के दिलों में खुदा का खौफ है। आपने फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे दिलों का संग दूर हो तो आपने फरमाया कि मौत को कसरत के साथ याद करो, आखिरत को याद करो। हेलो, एक रिवायत में आकाए नामदार मोहम्मद आरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कईसु मन दार नफ्सा व अमिल लिमा बाद अल मौत व अल आजिसु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाह। और कमा قال अलैहि सल्लतु वसलाम, आपने फरमाया कि लोगो मैं तुम्हें बताऊं कि रूए जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा होशियार और सबसे ज्यादा दानिशमंद इंसान कौन है? दुनिया वाले अपने अपने से फैसले करते हैं, हम और आप अपने अपने से फैसले करते हैं। हमारी नजर में सबसे ज्यादा होशियार शायद वो डॉक्टर हो जो अपनी कैबिन में बैठ करके दिन भर मरीजों से पैसे वसूल करता हो, और कोई सोच रहा होगा कि शायद सबसे ज्यादा होशियार वो ऑफिसर है जो सिर्फ दशहरों करके लाखों रुपए कमाता है। मगर कुर्बान जाइए आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने फरमाया कि मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि सबसे ज्यादा होशियार कौन है। फरमाया आपने अल कईसु मन दार नफ्सा व अमिल लिमा बाद अल मौत कि सबसे ज्यादा होशियार और दानिशमंद वो इंसान है जो अपना मुहासबा खुद करे और मरने के बाद वाली जिंदगी की तैयारी करे। इससे ज्यादा होशियार कोई नहीं, अपना मुहासबा खुद करे। जिस तरीके से एक बिजनेसमैन एक ताजिर जब अपनी तिजारत में कुछ पूंजी लगाता है तो साल और छह महीने में वो हिसाब लगाता है कि लाओ देखूं कि मैंने इतनी पूंजी लगाई थी कितना फायदा हुआ। ऐसे ही हर उस मोमिन बंदे की जिम्मेदारी है जिसका ईमान है अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह की किताब पर, हिसाब किताब और जन्नत और जहन्नम पर जिसका ईमान है। हर मोमिन बंदे को चाहिए कि जब वो शाम को अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाए तो पूरे दिन का अपने से हिसाब ले ले कि सुबह से शाम तक हम इन पैरों से चलते रहे, इन हाथों से पकड़ते रहे, इन आंखों से देखते रहे, हमारे दस्तरखान के ऊपर तरह तरह की नेमतें थी, हमने अल्लाह के इन इनामात से फायदा उठाया। लाओ जरा गौर कर ले कि कितना अमल हमने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक किया और कितना अमल हमने अल्लाह की मर्जी के खिलाफ। यही महासभा कितनी नेमतों से फायदा उठा है, एक मामूली नेमत की कीमत हम अदा नहीं कर सकते। हम इन आंखों से देखते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर इन आंखों की रोशनी खत्म
अपने खेत को बेचने के लिए तैयार नहीं होगा ताकि इलाज करा ले और उसके आंख की रोशनी वापस आ जाए। हमें मोबाइल की मतलब कीमत का तो एहसास होता है इसलिए कि हर महीने उसे रिचार्ज कराना पड़ता है, लेकिन इन आंखों की नियमत का एहसास इसलिए नहीं होता कि हमें इसकी कोई फीस और कोई रिचार्ज रखने का। आपने फरमाया कि मुहासरा करो, अपने नफ्स का मुहासरा करो मरने से पहले और मरने के बाद वाली जिंदगी की तैयारी करते रहो, ये सबसे ज्यादा होशियार इंसान। तो एक अमल आपने बतलाया कि दिल के संग का दूर करने का एक जरिया ये है कि मौत को कसरत के साथ याद किया करो, और दूसरे अमल की तरफ आपने इशारा करते हुए फरमाया कि कसरत के साथ कुरान करीम की तिलावत किया करो, दिल का संग दूर हो जाए। कुरान करीम की तिलावत करो, ये कुरान की मजलिस है कि हुफ्फाज़े किराम के सरों पर दस्तार इसलिए आज बांधा जाएगा क्योंकि ये हाफिज़े कुरान ही उन्होंने कुरान को पढ़ा है। हुज़ूर ने फरमाया कि हमारा रिश्ता कुरान करीम से ऐसे ही होना चाहिए कि कसरत के साथ हम कुरान करीम की तिलावत करें, ये एक मजमा है। और एक सोच रहे हम कितना वक्त दे रहे हैं कुरान करीम, ये अफसोस का मकाम नहीं है कि हमारे पास हमारी सलात के लिए वक्त है, हमारे पास हमारी तिजारत के लिए वक्त है, हमारे पास घरों की तामीर के लिए वक्त है, हमारे पास अपनी औलाद की शादी ब्याह के लिए वक्त है, हमारे पास अपने मुकदमात को हल करने के लिए कोर्ट और कचहरी का वक्त है, लेकिन हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो 15 मिनट कुरान करीम की जियारत और तिलावत का वक्त है। कितने लोग निकालते हैं ये, अगर ये आवाज मेरी माँ और बहनों के कानों तक जा रही हो तो मैं उनसे भी दरखास्त करता हूँ कि वो खुद भी कुरान की तिलावत की पाबंद हो, अपनी बच्चियों को कुरान करीम की तिलावत की पाबंद करें, अपनी बहुओं को ताकीद करें और अपने बच्चों को ताकीद करें, और हम सब इस आत्म के साथ उठें कि हमारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा उस वक्त जब तक हमारे घरों से कुरान करीम की तिलावत की आवाज नहीं आ जाएगी। अफसोस होता, बाद भाइयों ने बताया कि मौलाना साहब एक रमजान में कुरान उठाते हैं तो दूसरे ही रमजान में उठाने की नौबत पेश आती, मिली ना इतनी भी फुर्सत की इसको पढ़ लेता, मिली ना इतनी भी फुर्सत की इसको पढ़ लेता, किताब तेरे लिए आसमां से उतरी थी, किताब मेरे लिए आसमां से उतरी थी, ये किताब किसी और के लिए नाजिल नहीं हुई थी मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये किताब हमारे और आपके लिए नाजिल हुई, हमें इससे वाबस्ता होना। और अमली तौर पर वाबस्ता होना है इस किताब से, इसलिए कि सूरत हाल जिससे हम गुजर रहे हैं, आज पूरी उम्मत मुस्लिमा ख्वाह इस मुल्क में हो या दुनिया के किसी भी चप्पे में आबाद हो, एक अजीब व गरीब चैलेंजों का सामना है, और इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे और आपके सामने है और खास तौर पर इन खुदाए दीन के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज है अपने ईमान और यकीन के तहफ्फुज़ का चैलेंज। कुफ्र दंगा रहा है और बाजी ताकतें अपनी हुकूमतों के ऊपर नाश करते हुए मैदान में दंगा रही है, और याद रहे कि उनका निशाना हमारी इबादतें नहीं है, उनका निशाना हमारे अमाल नहीं है, उनका निशाना तो वो रूह और स्पिरिट है जो हमें और आपको अमाल और इबादत की तरफ मुतवज्जे करती, उन्होंने टारगेट बना रखा है हमारे ईमान और यकीन को, और उन्होंने निशाना बनाया है कि हमारे नौजवानों को ईमान और यकीन की दौलत से महरूम करें, अगर जो वो कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे और कभी नहीं होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि नूरे होता है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, नूरे होता है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, उनको से ये खराब बुझाया न जाएगा, मगर उनकी कोशिशें हो रही है। आप देख रहे हैं अहले-ए-इल्म हजरात जानते हैं एक ऐसा तालीमी निजाम बर्पा किया जा रहा है ताकि हमारे बच्चों को कुरान की तालीम से दूर करके इंग्लिश स्कूलों में लगा दिया जाए, ऐसा निजामे मईशत बर्पा किया जा रहा है सूद की अदालतों पर मबनी, ऐसा माशी निजाम बर्पा किया जा रहा है, ऐसा मुआशरती निजाम बर्पा किया
किया जा रहा है दुनिया के अंदर जिसमें बेहयाई है, और हमारी माए और बहनें और कितने ही लोग उससे मुतासिर हैं, दुनिया के बाजारों में से आम घूम रही है और दुपट्टा उनके चेहरों पर नहीं हो। ये बातें ताकतों की कोशिशें हैं, इसलिए हमें और आपको इस पहलू पर सोचना, हमें और आपको गौर करना है। और मैं बहुत खुल करके कह रहा हूँ, हारून देवबंद का एक अदना खादिम होने के हैसियत से, कि अगर हमारे ईमान और अकीदे का तहफ्फुज़ अगर कोई कर सकता है तो ये हमारे मदारिस और मसाजिद भी कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत जज़ाए खैर दे हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहिमहुल्लाह तआला को और उनके दौर के और उनके बाद के अहल अज़ीमत उलमाए रब्बानियीन की कब्रों पर के लिए दीन के लिए फिर तामीर किए। और ये मदारिस हमारे ईमान और अकीदे का तहफ्फुज़ पहले करते हैं और दीन तालीम बाद में आम करते हैं। मकसूद ईमान और अकीदे का तहफ्फुज़ है और दीन तालीम तो महज वसीला और जरिया है। हम सब की टोपियां उनकी जूतियों का कुर्बान जिन्होंने दीन के तहफ्फुज़ के किले बनाए। हमें और आपको इन किलों से जुड़ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को आला तालीम ना दें, दुनिया के एतबार कोई नहीं कहता, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि कौम को जरूरत है अच्छे डॉक्टर्स की, कौम को जरूरत है अच्छे इंजीनियर्स की, कौम को जरूरत है अच्छे टीचर्स की, कौम को जरूरत है अमानतदार बिजनेसमैन की, कौम को जरूरत है अच्छे ऑफिसर्स की, मगर याद रहे कि उन सबसे ज्यादा जरूरत है हमें अच्छे दीनदार और अच्छे मुसलमान की। आपका बेटा डॉक्टर हो बहुत अच्छा, आपका बेटा इंजीनियर हो बहुत अच्छा, मगर इन चटाइयों के ऊपर बैठने वाले हजरात उलमाए किराम के सामने से उन्हें जरूर गुजारिए। ये वो उलमा है जो चटाइयों के ऊपर 24 घंटे बैठ करके उन बच्चों के दिलों के अंदर ईमानी रूह फूंकते हैं, और जब तक इनके सामने से नहीं गुजरेंगे उनका ईमान पुख्ता नहीं होगा, उनका अकीदा पुख्ता नहीं होगा। इसलिए दुनिया के किसी भी मैदान में रहे, पहले इन चटाइयों पर बैठने वाले उलमाए किराम के सामने से गुजारिए, ताकि उनके दिलों के अंदर दीन की मोहब्बत पैदा कर दें और दीन को इस तरीके से रासिख कर दें कि उन्हें हलाल और हराम की तमीज हो जाए और दुनिया के जिस मुकदमे में भी रहे वो सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाए। ये वक्त का तकाजा, हमें और आपको इसके लिए बेदार होना। ये जलसे, ये इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि हमारे और आपके अंदर बेदारी आए। मैंने पहले भी कहा ये तबसरे के लिए ये जलसे नहीं हुआ करते हैं, बल्कि ये जलसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि हमारा एहसास जाग जाए। हमें और आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को। सही शोर अगर खत्म हो गया तो याद रखिए कि कौन कभी पनप नहीं सकती है, तरक्की नहीं कर सकती। कौमों की तरक्की का दार मदार कसरत के ऊपर नहीं हुआ करता है, उनकी तरक्की का दार मदार सही रुख के ऊपर हुआ करती है। उलमा ने लिखा है कि तूफान बादल बारह से वो नुकसान नहीं पहुंचता है कौमों को, जितना नुकसान कौमों को उस वक्त पहुंचता है जब उनके अंदर से सही शोर खत्म हो जाए। अल्लाह ने कहा था कुव्वत फिक्र अमल पहले फरा होती है, कुव्वत फिक्र अमल पहले फरा होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे सवाल आता। बेदार होने की जरूरत है। ये उलमा इस तरह से जो बातें कह रहे हैं ये सिर्फ इसलिए है ताकि हमारे अंदर बेदारी आ जाए। ये रोज सब, ये सुबह शाम, ये बस्ती ये भी आना, ये रोज सब, ये सुबह शाम, ये बस्ती ये भी आना, सभी बेदार हैं। इंसान अगर बेदार हो जाए, हमें और आपको बेदार हो जाए। हमारी मंजिल बल्कि इस्लाम की मंजिल होनी चाहिए। याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम की फितरत के अंदर कलमा लिख रखा और कुरान करीम ने बार बार ऐलान किया है। अल्फाज बदले हुए हैं, पैराए बदले हुए हैं, कहीं फरमाया जा रहा है वलयंसुरन अल्लाहु वलयंसू, कहीं फरमाया गया वअंतुम लअअलमून इन कुंतुम मुमिनीन, कहीं फरमाया गया वइन्न जुल्ला लहुल गालिबून। और ये सब इसलिए है कि हमारी नजर बल्बे इस्लाम की मंजिल होनी चाहिए और हमारा जो निजाम चल रहा है उससे आगे बढ़ करके हमें और आपको सोचना है और उससे आगे बढ़ना है।
मैं कहां रुकता हूं, आशोवक्ष की आवाज से मुझको जाना है बहुत ऊंचा हरे प्रवास। बात खत्म कर रहा हूं ये कह करके कि दुश्मन बहुत बेदार है, हमें और आपको बेदार होने की जरूरत है, हमें जवाब देना है दुश्मन। मगर हम ये कहते हैं कि जवाब देने के लिए हमें तीर तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, हमें जवाब देना है अपने अखलाक से, हमें जवाब देना है अपने किरदार से, हमें जवाब देना है अपनी रशीद बर्खास्त से, हमें जवाब देना है अपनी तर्ज जिंदगी से, अपने पूर्वपार से। और दुश्मनों को ये बतलाना है कि अगर तुम्हें हमारी मुकद्दस और आखिरी किताब कुरान करीम से नफरत है तो इस जलसे में बैठा बैठा हुआ एक एक फर्द ये आज़म करके यहाँ से उठे कि अगर दुश्मन इस्लाम को हमारी मजहबी किताब से नफरत है तो हमारे घर का, हमारे खानदान का और हमारे रिश्तेदार का कोई बच्चा ऐसा बाकी नहीं रहेगा जिसको हम कुरान की तालीम न दें। देखे भाई, ये है दुश्मनों का। अमली तौर पर हम दीन की तरफ आगे बढ़े, घरों का माहौल दीनी बनाए, तब जाकर के दुश्मनों का जवाब होगा। अगर दुश्मन इस्लाम को हमारे लिबास से नफरत है तो हम अज़्म करें कि इस्लामी लिबास पहनेंगे, और अगर दुश्मन इस्लाम को हमारी दाढ़ियों से नफरत है तो ये अज़्म कीजिए कि हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने चेहरे पर सजाएंगे। दुश्मन चाहे खुश हो या ना खुश, हमें दुश्मन की खुशी नहीं चाहिए, दुश्मन की खुशी से ना तो दुनिया में हम कामयाब हो सकते हैं और ना आखिरत में कामयाब हो सकते हैं, हमें खुशी चाहिए अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये आज़म है, ये हौसला है और ये जज्बा है इस्लामी जज्बा, और सच्चे आशिक रसूल बनकर के जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो इन अज़ाइम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की नुसरत है और अल्लाह की मदद हमारे पास आएगी। फताए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फताए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं घरों से जितार अंदर जितार भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से फिर दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन बच्चों को आलिम व अमल बनाए, और इन्हीं मारूदात के ऊपर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कहने वाले हकीर को भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप हजरात को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। और इसी के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ जलसे के मुंतजमीन को, मुआमिनीन को और आप सबको कि आपने कुर्बानी दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। ऐ खुदा जिसमें जब तक के मेरी जान रहे, ऐ खुदा जिसमें जब तक के मेरी जान रहे, जिसमें सर पे तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है कि अमीर न सके वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। आमीन व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।